तो भाई कल आदि पुरुष का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया। रिलीज होते ही ये ट्रेंडिंग में भी आ गया, लोगों को पसंद आया, मुझे खुद भी पसंद आया। और मेकर्स ने शायद जो गलतियां टीजर के टाइम पर करी थी उन गलतियों के ऊपर उन्होंने पर्दा डालने का भी काम किया है, क्योंकि ज्यादा बड़े चेंजेस तो यहाँ पर देखने के लिए मिले नहीं। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि ट्रेलर अच्छा लगा। अब इसको आप कुछ भी कारण दे सकते हैं कि भाई पब्लिक की भावनाएं जुड़ गई हैं, या एक हाइप क्रिएट हो गई है, या पोस्टर से लोग काफी खुश थे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मूवी लोगों को मोटे मोटे तौर पर ये जो ट्रेलर है खासतौर पर ये अभी हाल फिलहाल में पसंद आया है। लेकिन अब जब हम ट्रेलर और टीजर को साथ में उठाकर देखते हैं तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जिनको कि देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेकर्स ने ज्यादा कुछ बदलाव किए भी नहीं। तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जो ट्रेलर में हमें मिसिंग लगी, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताया कि यार ट्रेलर तो पूरा देख लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगा। तो क्या मिसिंग लगा है उसी बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि कैसे कुछ एक सीन्स में थोड़ा बहुत बदलाव करके ट्रेलर में डाल दिया गया। प्रभास और कृति सेनन की साल 2023 की एक बड़ी फिल्म के साथ नजर आने वाले फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इस फिल्म में रामायण की कहानी को भी दिखाया गया। बॉलीवुड में अब फिल्में बनाने को लेकर पहले की तरह आजादी नहीं रह गई। आज लोग काफी सतर्क हो चुके हैं और अपने धर्म जाति के खिलाफ ज्यादा कुछ सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे में फिल्म मेकर्स को कोई भी फिल्म बनाते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। प्रभास की इस फिल्म का टीजर जब रिलीज हुआ था तो उसमें कई सारी ऐसी बातें थी जिसे लोग खफा नजर आए थे। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। जय श्री राम की गूंज और हनुमान का शौर्य देख फैंस गदगद हैं। ये तो कई सारी फिल्में और सीरियल रामायण पर बन चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ रामानंद सागर की रामायण को ही फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया। अब जबकि इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो इसमें साफ तौर पर देखा गया था कि भाई इसको लेकर ट्रेलर में काफी इसको सिंपल रखा गया। इसके साथ ही कुछ ऐसी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करी गई है जिसे देखकर लगे कि इसमें कुछ भी ज्यादा भड़काऊ। जहां एक तरफ आजकल कई सारे डायरेक्टर्स ये समझने में गच्चा खा जाते हैं कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करते हुए किसी फिल्म को आखिर कैसे बनाया जाए, वहीं डायरेक्टर ओम राउत ने टीजर के भारी विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा में आई इस फिल्म के ट्रेलर को काफी सेफ साइड के साथ बनाया। लेकिन इसी क्रम में उन फैंस के साथ धोखेबाजी भी हो गई है जो हमेशा किसी चीज में नयापन ढूंढते हैं। टीजर और ट्रेलर दोनों अलग अलग चीजें, जो चीजें पहले टीजर में दिखाई गई हैं उन्हें अगर टीजर और ट्रेलर दोनों अलग अलग चीजें होती, जो चीजें पहले टीजर में दिखाई गई होती हैं उन्हें अगर ट्रेलर में भी रिपीट किया जाए तो इससे ट्रेलर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। यहाँ तो टीजर के कई सारे सीन्स तक ऐसे हैं जो कि ट्रेलर से पूरे पूरे मेल खा रहे हैं। तो आइए जरा डालते हैं नजर कुछ ऐसे सीन्स के ऊपर जो कि हूबहू टीजर से उठा लिए गए, बस उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत एंगल का चेंज करके उनको आपके सामने रख दिया गया। ऐसे में तो फिल्म के मेकर्स को यही कहा जाना चाहिए कि थोड़ी मेहनत और शायद मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। सबसे पहले सीन की अगर हम बात करें तो ये सीन है जो समंदर में उनकी एक छवि नजर आती। दरअसल फिल्म के टीजर में दिखाया गया था कि कैसे इसके एक सीन में जब राम भगवान समंदर किनारे अपना धनुष उठाकर बाण ऊपर की तरफ मारते हैं तो वर्षा होने लगती है और समंदर में एक इंसानी छवि आकृति नजर आने लगती है। इस सीन को आप टीजर में भी देख सकते हैं और ट्रेलर में भी देख सकते हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लाइटिंग का चेंज जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। दरअसल टीजर को लेकर ये बात भी सामने आई थी कि काफी डार्क और ग्लूमी, शायद उसी लिए मेकर्स ने ये काम किया। अच्छा, इसके और प्रमाण है, ऐसा नहीं सिर्फ एक प्रमाण, राम भगवान के रूप में प्रभास का तीर धनुष उठाना ये भी एक ऐसा ही सीन था। जब राम भगवान एक्शन में आते हैं तो अपना तीर धनुष उठाते हैं, उस समय सेम लोकेशन को ट्रेलर और टीजर दोनों में देखा जा सकता है। लोकेशन को एकदम सेम रखा गया है, बस अंतर इतना है कि टीजर की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है और ट्रेलर की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी। वहीं अगर हम बात करें एक और सीन की तो वानर सेना का इंट्रोडक्शन सीन दोनों में सेम है। हर एक टीजर और ट्रेलर में फैंस को स्टोरी समझाने के लिए कैरेक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा बहुत किया जाता है, यही उन कैरेक्टर्स का दरअसल इंट्रोडक्शन भी होता है जो आपको ट्रेलर के जरिए दिया जाता है। इसका मकसद होता है फैंस को आने वाली फिल्म से अवगत कराना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेलर और टीजर में एक ही सीन रिपीट कर दिया जाए। जब वानर सेना राम सेतु पर चलती हुई नजर आती है तो इसमें भी दोनों सीन्स लगभग लगभग सेम ही नजर आते हैं जो सेना के इंट्रोडक्टरी सीन है। वहीं समंदर के ऊपर उड़ते हनुमान भगवान का जो एक सीन है उसको भी फिल्म के ट्रेलर और टीजर दोनों में चौथा सीन जो है वो कॉमन। इसलिए हनुमान भगवान का लंका के लिए प्रस्थान करना, दोनों ही सीन्स में हनुमान भगवान को लंका जाते हुए एक ही तरह का दिखाया गया, अंतर है तो बस वही लाइटिंग का। वहीं अगर हम अब आदि पुरुष का ट्रेलर देखें तो ये साफ नजर आता है कि ओम राउत की इस फिल्म ने फैंस के इमोशन के साथ पूरा इंसाफ किया है और फिल्म में एक्टर्स का एक जो एफर्ट है वो भी साफ नजर आ रहा है। ये फिल्म दर्शकों के मापदंडों पर खरी भी उतर सकती है, क्योंकि आदि पुरुष महज मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का एक ऐसा संगम है जो आस्था और धर्म के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण भी है। तो चलिए जरा जान लेते हैं इस ट्रेलर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास पांच बातों के बारे में जो कि इस ट्रेलर को वाकई में खास भी बना रही। फिल्म से जब रावण के रुख फिल्म से जब रावण के रूप में सैफ अली खान का पहला लुक सामने आया था तो लोग भड़क उठे थे। सैफ के लुक का ऐसा विरोध हुआ कि अब फिल्म के मेकर्स ने सेफ साइड का चुनाव किया है। ट्रेलर में सैफ अली खान की अपीयरेंस को बड़ी ही चालाकी से दिखाया गया है। ट्रेलर के दौरान सैफ का वो विकराल रूप दिखाया ही नहीं गया है जिसे देख इतना बवाल हुआ था। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म में सैफ की अपीयरेंस आखिर कैसी होगी। वैसे उम्मीद काफी कम है कि लुक चेंज किया गया होगा। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है तो आपको वानर सेना याद ही होगी जिसमें इंसानों के पीछे पूंछ लगा दी जाती और उनके चेहरे को बंदर के चेहरे से एडिट कर दिया जाता है, लेकिन चाहकर भी वो फील नहीं आता और ऐसा लगता है कि जैसे आदमी ने मुखौटा लगाया। मगर आदि पुरुष फिल्म में सेना बड़ी रियल नजर आ रही है। हनुमान समेत एक दो लोगों को छोड़ दें तो ट्रेलर में सभी वानर सेना रियल वानर है। इसके अलावा एक बड़ा सा किंग कॉन्ग भी ट्रेलर में नजर आया जो फैंस की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा भी रहा है।
लेकिन वानर सेना को वानर रूप में देखना ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है और उस लोक की ऐसी झलकियां पेश कर जो कि यथार्थ से ज्यादा निकट भी नजर आ रही। फिल्म में एक चीज आपको अखड़ सकती है और वो है रामानंद सागर की रामायण जो कि हमने हिंदी में देखी, लेकिन इस फिल्म में आपको डबिंग नजर आई जिस वजह से आपका थोड़ा जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो ठंडा हो सकता है। लेकिन फिल्म में प्रभास की डबिंग शरद केलकर ने करी है जिन्होंने फिल्म बाहुबली में भी उनकी डबिंग करी थी और यकीन मानिए शरद केलकर की आवाज प्रभास के किरदार में और भी ज्यादा चार चांद लगा देती। शरद केलकर ने अपना काम बखूबी किया, बाकी फिल्मों के डायलॉग्स भी दमदार हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में जय श्रीराम की गूंज फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिल्म के ग्राफिक्स को डायलॉग से कवर भी किया गया है। फिल्म में कई जगह आपको सीन्स के हिसाब से ग्राफिक्स हल्के नजर आएंगे। ग्राफिक्स को कवर करने के लिए दमदार डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ खामियों के बाद भी ये फिल्म दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखेगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल मेरे लगभग जितने भी मैंने वीडियोज डाले उन वीडियोज के कमेंट सेक्शन में मुझे देखने के लिए मिला वो था कि यार ट्रेलर कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसकी क्या वजह है। तो अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखेंगे गौर से तो पाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। शायद इसे जानबूझकर किया गया ताकि फिल्म को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना शुरू हो जाए। कई जगह ऐसी बातें हैं जो ट्रेलर में होनी चाहिए थी लेकिन वो नजर नहीं आती। रावण पक्ष से ज्यादा कहानी दिखाई नहीं गई है। क्या फिल्म ज्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से राम के पक्ष को ही प्राथमिकता दी गई और रावण के पक्ष को हल्का रखा गया। दरअसल रावण सागर की जो रामायण थी वो एक सीरियल था जिसमें कई सारे एपिसोड थे। वहीं ओम राव की बात करें तो उनकी फिल्म की लेंथ ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में कम समय के अंदर इतनी बड़ी कहानी को बताना कोई हल्का काम नहीं। अब तो फिल्म की रिलीज के बाद लोगों का रिएक्शन ही बताएगा कि फिल्म कैसी है। वैसे बता दूं आपको कि ये फिल्म अगले महीने 16 जून को रिलीज होने वाली है, तो अगर आप भी इस मूवी को देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड जितना मैं हूं तो भाई आपके लिए वाकई में एक चांदी जैसी एक पूरी की पूरी मूवी निकल कर सामने आने वाली है। लेकिन हाँ, कुछ एक कमियां तो देखिए मूवी में होंगी, लेकिन बात वही है कि हमको थोड़ा सा आगे बढ़कर इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। दैट्स इट, मेरे स्टूडियो फिलहाल। जय हिंद, जय भारत।